गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। गॉसिप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में जिया शंकर छाई हुई है, लेकिन इस बार वो अपनी नेगेटिव इमेज को लेकर छाई हुई है क्योंकि उन्होंने एल्विश के साथ जो घिनौनी हरकत कर दी है, ये हरकत अब उनके ना गले से नहीं निकल पा रही है। बता दूं आपको कि लोग जिया को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं, एक्स कंटेस्टेंट्स भी जिया को आड़े हाथों ले रहे हैं। वही अब खबरें आ रही हैं कि जो जिया शंकर हैं उन्हें उनकी इस हरकत के लिए घर से बेघर कर देना चाहिए, बिग बॉस को बड़ा फैसला लेना चाहिए। और यहाँ तक कि माना जा रहा है कि जब वीकेंड का वार होगा सलमान खान आएंगे तो यकीनन ये मुद्दा काफ़ी बड़ा होने वाला है। और अब जिया की बचने वाली है बैंड और भाईजान जिया को नहीं बख्शेंगे। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सलमान खान के गुस्से का अब जिया शंकर होगी शिकार। इतना ही नहीं गाइज, आपको मैं ये भी बता चुकी हूँ कि जो जिया शंकर है वो मुश्किलों में पड़ गई है क्योंकि जिया का एक छोटा सा मजाक अब उन पर भारी पड़ने वाला है। यूं तो जिया ने एल्विश को पानी दिया पीने के लिए और उसमें साबुन मिला दिया, तो ऐसे में साबुन वाला पानी पीकर जो जिया है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई है। और जिया अब शर्मिंदा महसूस हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सलमान खान है वीकेंड का वार पर, माना जा रहा है कि जब सलमान आएंगे तो जिया को जमकर फटकार भी लगेगी क्योंकि उन्होंने बहुत गलत हरकत की है। किसी की हेल्थ को लेकर जो ये उन्होंने कांड कर दिया है ना, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। वैसे सोशल मीडिया पर हैशटैग शेम ऑन जिया ट्रेंड करने लगा है, उनकी निंदाएं हो रही हैं। तो गाइस आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या है रिएक्शन, आप लोग मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट्स का कर रही हूँ बेसब्री से इंतजार। तो प्लीज गाइस फटाफट से डू सब्सक्राइब माय चैनल गॉसिप टाउन। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।